एक काम करते हैं, कुछ और न्यूज़ पेंडिंग है लेकिन उस पर फोकस करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट देखिए आप, फरवरी के सितारे फटाफट यहाँ पर आप देखिए बात करते हैं, उसके बाद कुछ चार्ट स्कैन होंगे, कुछ न्यूज़ भारती पे पेंडिंग है वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन राजेश पालविया जी, आपका एक कन्विक्शन ट्रेड फरवरी के लिए क्या होगा बताइए। तो वीरेन जी, मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड रहेगा फरवरी के लिए वो रहेगा टाटा पावर पे। ये स्टॉक में देखें तो ड्यूरिंग द मंथ भी देखें तो 9% का गेन है इस मंथ में, और जिस तरीके से स्टॉक में एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है पूरी सीरीज में, हमें लगता है यहाँ पे टाटा पावर को बाय करना चाहिए। ये सीरीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 265 से लेकर 270 तक के। करंट लेवल से कोई भी डिप मिलता है तो इसको ऐड करेंगे और यहाँ से स्टॉप लॉस होगा करीब 228 रुपए का, और टाटा पावर पे बाय करने की सलाह रहेगी फरवरी सीरीज में। टाटा पावर, मयूरेश जी आपका फरवरी का सितारा। तो जैसे पालविया जी ने कहा, आई थिंक टाटा पावर काफी पसंद आ रहा है, बट आई विल गो विथ बैंक्स एज वेल। तो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे आई थिंक स्टेट बैंक का झलक रहा है। नंबर्स इनफैक्ट जो पिछले दो तिमाहियों में बैंक ने रिपोर्ट किया, आई थिंक जो क्लेंजिंग अप की मैं बात कर रहा था, अच्छी खासी क्लेंजिंग अप हो गई है। रिस्ट्रक्चर्ड बुक एज अ परसेंटेज ऑफ ओवर लोन्स इज कमिंग डाउन, GNPA NPAs कम होते जा रहे हैं, विलय जो इन्होंने किए थे पिछले क्वार्टर्स में, आई थिंक दोज आर नाउ शोइंग पॉजिटिव सिनर्जीज एंड रिजल्ट्स। और इसलिए जैसे आई थिंक बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से रिजल्ट रहे, कैनरा रहा, PNB रहा, जैसे हर्षदा ने कहा, मुझे लगता है आई थिंक स्टेट बैंक के भी अच्छी नतीजे रह सकते हैं और बजट का भी एक तड़का शायद आ सकता है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेट बैंक को नजर पर रखना की बात है। जो आज की फंडामेंटल कॉल मयूरेश जी ने दी वो